We are live on Masti AVI right now. Our chal raha hai cooking show, which is called Cooking Comes Alive, the only show of its kind across Southeast Asia, जहाँ पर radio studio से live हम kitchen के अंदर घुसते हैं और live खाना बनाते हैं. पहला अगर आपका स्वागत करता हूँ सिंगापुर रेडियो 24/7 लाइव की वो महफिल जिसे आप थ्रोबैक थर्सडे कहते हैं. रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हमें दिल की आंखों से देखते हैं, लेकिन मस्ती एवीआई पर हम भी आपको देखते हैं और छेड़ते हैं. बेस्ट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल एंटरटेनमेंट, गेम, स्टार इंटरव्यूज, कॉन्टेस्ट, फुल ऑन मस्ती. मस्ती AVI. मस्ती AVI. मस्ती AVI. मस्ती AVI. Follow us on Radio Masti 24/7 Live Singapore Facebook page and watch all shows on Masti AVI tab on our app Radio Masti 24/7. Masti AVI, meaningful entertainment at your fingertips. Brought to you exclusively by Radio Masti 24/7. Hi everyone and welcome. This is Masti AVI and of course, mera naam Renuka hai. Jaisa ki aap jaante hain, it's been ages, guys. I haven't met you and I'm so excited. बड़े दिनों के बाद मिलना हो रहा है. क्या हालचाल है सबके, जरूर बताइएगा अपना. एंड ऑफ कोर्स यहां पर हमेशा की तरह वी गॉट दिस अमेजिंग शो वेयर वी गोना गेट योर फेवरेट एक्टर वंस मोर ऑन मस्ती एवीआई. अब अगर आप सोच रहे हैं कि कौन है आपके ये फेवरेट एक्टर, देन लेट मी टेल यू दैट यू हैव मेट हिम बिफोर ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड डेफिनेटली ही वाज वेरी टॉकेटिव. लगते नहीं है ऐसे कि बातें करते चले जाएंगे, पर उस दिन तो मेरी लगाने पर लगे हुए थे. खैर, उस बात को हो चुके हैं 2 साल और 2 साल के बाद मैंने सोचा चलो पता लगाते हैं कि इनका चल क्या रहा है लाइफ में. जो जो बातें इन्होंने कही थी हमको उस टाइम पर, हमारे उस शो पर, क्या वाकई वो बातें सच थी या वो बातें कुछ कहानियां थी. वेल, पता कुछ ऐसा लगा है कि कहानियां बिल्कुल थी. एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग व्हाट कहानीज ही सेड, वेल लेट मी टेल यू, ही टॉक्ड अबाउट हिज जर्नी एज एन एक्टर. He talked about himself, कि भाई क्या क्या उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, लोग जब मिलते हैं तो किस तरह से बातें करते हैं और क्या बातें उनको किस तरह से react कराती हैं. But there were some bits that he mentioned, जो मुझे लगा कि इस time पर बहुत valid है. So we're going to find that out, guys. But on Radio Masti right now, and of course, Masti Media Network, it is time for me to bring to you a very, very special guest. और ये वाले जो गेस्ट हैं, इनके साथ में आप जब भी बात करते हैं ना, आपको लगता है यार इन्हें तो देखा हुआ है और काफी मतलब ऐसा लगता है कि हम जानते हैं इनको, है ना. क्यों सपना जी, जानते हैं ना इनको, किसकी बात कर रही हूँ मैं. आई नो सपना जी, यू हैव सीन आवर पोस्ट अर्लियर टुडे एंड ऑफ कोर्स यू आर वेटिंग फॉर दिस शो एज वेल एज मच एज वी आर. बट विदाउट फर्दर अडू, लेट मी गेट हियर ऑन द स्क्रीन a very very special artist, an actor who I admired jab main bahut hi choti si thi. Khair ab bhi main zyada badi nahi hu, lekin phir bhi tab ki baat. हेलो, गुड इवनिंग हर्ष जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, मजे में. मैंने ये एक हाथ मेरा ऐसे रहेगा, मैंने कनेक्शन पकड़ा हुआ है, बैटरी शायद चली जाए तो मैंने कस के जो है कनेक्शन दबा के रखा हुआ है ताकि ये लैपटॉप चलता रहे. 4 महीने बाद मैंने उसको बाहर निकाला. तो ये हारमोनियम की तरह जो आपका हाथ आगे बढ़कर रहेगा हमेशा, तो हाँ हारमोनियम की तरह ही, क्योंकि वो ढीला है तो बार बार थोड़ा हिलाना भी पड़ता है. देखिए ये अभी फिर चल पड़ा. मैंने पूछा नहीं, पर उसमें फिर टेक्निकल पंगा था कुछ, वो फोन पे लाइए, फिर फोन से लिंक उधर भेजिए, उधर से इधर, मैं समझा नहीं, तो फिर मैं लैपटॉप पर ही आ गया. सपना जी, यहाँ से अगर कट जाएगा तो मैं तुरंत फोन पे आ जाऊंगा फटाफट 2 मिनट में. मतलब मेरा जो दिल है वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर रहेगा पूरे टाइम, क्योंकि कभी भी इनका कनेक्शन टूट सकता है. हाँ, क्या करें, अब आपका काम ही ऐसा है, तो हम सबका, हमारा आपका काम ही ऐसा है, क्या किया जाए. लोग हमको माफ कर दें, मैंने मुझे माफ कर दें, मेरा थोड़ा मामला इस किस्म का ही रहता है. तो खैर, नमस्कार. मुझे यहाँ आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
बीच बीच में जब जब याद आए तो ऐसी बातें बोल देना, क्योंकि ये हारमोनियम की तरह जो आपने हाथ पकड़ा हुआ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। एनीवे, सपना जी कह रही है जी हाँ, हर्ष छाया जी बिल्कुल सही गेस किया आपने, जी हाँ बिल्कुल इन्हीं को आना था आज के हमारे शो पर। और मनोज जी का कहना है हाय, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्ष जी सिंस हिज टीवी जर्नी, वेल यू गॉट ग्रेट टेस्ट। हां मनोज जी ने मेरा गाना अपने घर वालों को भी सुनाया, वो पूछ रहे थे बाबा कौन है, उनको लगा कोई बाबा गा रहा है। बाबा जी की भी बात करेंगे, बिल्कुल रुक जाओ। नहीं, लेकिन सुनाया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स मैंने इतनी गाड़ी में सुना है, आज फुल वॉल्यूम पे लगा के, क्या बात कर रहे हो आप, मुबारक हो आपको। मुझे भी थैंक यू बोलो। नहीं नहीं, मुबारक हो, आपने सुना गाना, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुबारक हो, मेरा गाना सुना। इनके साथ भी टेक्निकल प्रॉब्लम कल हुई, मेरा गाना सुनने के बाद भी आप यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए जिंदा बैठी है। देखिए कई बार हमें और आपको, और ये बात आप बिल्कुल समझेंगे, कई बार हम सबको ऐसे काम करने पड़ते हैं चाहे हम चाहें या नहीं, क्योंकि वो तो काम है ना जी। है ना, इसीलिए करना जरूरी है, एक बार कमिटमेंट हो गई तो हो गई ना, क्या करेंगे फिर, है ना जी। हाँ, तो वो सॉरी, मेरा ध्यान बार बार उधर है कि ये जादू नहीं रहा। चलिए नहीं जाएगा। अगर ये गया और इसके साथ अगर आप गए, ठीक है, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए प्लीज काइंडली कंट्रोल। ओके, कैसे नहीं, मैं आ जाऊंगा तुरंत, फोन पे आ जाऊंगा। तो आप फोन एक काम चल रहा है, देखिए फेसबुक पे आ चल रही है। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप फोन के जरिए इस लिंक को ऑलरेडी कनेक्ट कर लीजिए, ताकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इमीडिएटली आपको स्विच करा दूंगी, ठीक है ना। हाँ हाँ, फोन पे चल ही रहा है, फोन पे मैं खुद को देख रहा हूँ अभी। नहीं, वो गलत, वो नहीं है, जो पहले अच्छा, लिंक भेजा था ना आपको, वो वाले लिंक पे। हाँ ठीक है, चलिए, वो सब देखने वाले सोचेंगे आगे चलें क्या, मतलब एग्जैक्टली क्योंकि अभी ये जो टेक्निकल इश्यूज पहले डिस्कस होने चाहिए। नहीं, मैंने आपको जबरदस्ती फंसा दिया इन बातों में, सॉरी, बट बहुत घर वाली फीलिंग हो गई, थैंक यू सो मच। सो अच्छी बात। हाँ जी, तो क्या चला दो साल, हैज कोविड डन गुड टू यू, और क्या चला दो साल बताइए। वी स्पोक इन कोविड, ठीक ही रहा, मतलब कोविड से ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं आई, मतलब लोग परेशान थे कि घर के बाहर नहीं जा सकते, और मुझे पता चला कि मेरा तो लाइफस्टाइल ही कोविड कहा जाता है। आप हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं, ये कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बहुत कम घर से बाहर निकलता हूँ। ऐसा क्यों? फिलहाल मैं लगभग 2.5-3 महीने से अपने जिम से बाहर आगे नहीं गया, जिम मेरे घर से 5 मिनट के रास्ते पर है। So, ऐसा आप क्यों करते हैं, मतलब आपको डर है कि कोई पहचान लेगा, आपने कोई ऐसे काम किया हुआ है कि मतलब ऐसा ठीक नहीं है? पहचान तो वैसे ही लेंगे, इतना पहचानने का डर होता तो आपके सामने थोड़ी बैठे हुए होते, ना फेसबुक पे आए होते। क्या बात, मतलब क्या, जितना रोज का छोटा मोटा काम रहता है वही करना, और क्या करना, रोज कहाँ जाना होता है, वो है नहीं कि हर 15 दिन बाद बाहर जाना ही जाना है, 4 दोस्त के साथ बार में बैठना ही बैठना है, तो भी हो गई है, अमुक तरीके से जीना सीखना भी पड़ता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इतना डीप कॉन्वर्सेशन होने वाला था, मुझे पता नहीं था। हाई क्यू, आपने सवाल ही ऐसा पूछ लिया, मैं क्या करूं। अच्छा, तो ये बताओ कि पहले ना आप एक मिनट सेटल हो, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप लास्ट टाइम हमारे पास आए थे ना, तो कुछ कुछ ऐसी बातें हुई थी, और उन बातों से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एंड वी विल कैच अप ऑन व्हाट इज न्यू टुडे, ठीक है? वो ऐसा क्या, ऐसी क्या बात हो गई आपसे उस वक्त, मुझे याद नहीं है, सुनाने वाली हूँ मैं, देखो जरा। चलिए, अ फेस, अ वेरी फेमिलियर नेम, एंड समवन जिनको मैं शायद बहुत सालों से देख रही हूँ, और इस तरह से वो हमारे साथ में जुड़े हैं अक्रॉस द वेरियस रोल्स दैट ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ, कि लगता है कि हाँ यार, दिस इज लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर दैट यू कैन इजिली टॉक टू। आई एम टॉकिंग अबाउट हर्ष छाया जी। तो चलिए, सिर्फ कैमरे के सामने ऐसे थोड़ी है, मतलब आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं कैरेक्टर को एक्टर के साथ। भाई दिल्ली की तो मैं भी हूँ, मैं तो बात बात पे गोली मारने की बात नहीं करती, आप कौन सी दिल्ली के हो? तो मैंने आपका नाम तो लिया नहीं था। सारे शौक पूरे कर लेने चाहिए।
लेकिन सही आता हो ना आता हो, किसी को सुनना हो ना सुनना हो, किसी को जानना हो ना जानना हो, सब मतलब उनकी सबकी ऐसी की तैसी, हमें जो थोड़ा बहुत निपटा लेना निपटा लेना। तो हमें लिखने का शौक है, लिख लिया है, फिल्म बनाने का भी शौक था, बना ली है, बाथरूम में गा लेते हैं। उसमें उस फिल्म में उस म्यूजिक डायरेक्टर ने कह दिया कि अच्छा ये गाना तुम ही गा लो, ऐसा कोई हमें खास चाहिए नहीं। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं गा लेता हूँ। तो गाना भी यूं गाया था मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बड़ा बहुत जो है ढूंढ के मुझे निकाला गया और जो है कहा गया कि आप प्लीज गाएं। वो भी ये था कि अब यार तुम ही गा दो यार, अब कहाँ किसी को गाएं। नहीं नहीं ये तो वैसे भी मेरी लिस्ट में था, ये तो होने वाला है ही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए यार जशी सही, बस बहुत हुआ। अच्छा खैर हाँ तो तो बहुत हुआ। ये बताओ बाथरूम सिंगिंग से स्टेज की सिंगिंग और इतनी बड़े लेवल पर सिंगिंग कब कब हुआ ये? मुझे लास्ट टाइम स्टेज पे कहाँ गाया, स्टेज पे थोड़ी गाया, अभी बाथरूम सिंगर ही हैं ये तो। हेलो, एक हमारा एक ही है, एक डेब्यू हुआ है आपका इतना अच्छा सा, ये बताओ आप मुझे कि आपने कब डेब्यू हो गया? मेरी फिल्म में मैंने एक गाना गाया था, वहां डेब्यू कर लिया मैंने। हाँ, पर वो तो छुप छुप के गाया था ना, क्योंकि किसी और को क्या लाना, आपको बोल दिया गा लो, यही कहानी दी थी ना आपने। हाँ, तो इस बार भी तो यही था। उसमें देखिए पिछले इंटरव्यू में बोला हुआ है कि भाई कोई सुने ना सुने, हमको गाना होगा तब हम गाएंगे, तो इस बार मन हुआ गाने का, गा लिया। अच्छा, तो इसको लिखा भी आप ही ने? अब मैं लिखूंगा, बेचारे किसी और के लिखेगा क्या, मुझे गलत करने आएंगे। वो यूं हुआ कि मेरे दोस्त है म्यूजिक डायरेक्टर सुदीप बनर्जी स्कूल से। अच्छा, तो वो पुराना दोस्त है, उसके साथ एक अलग कम्फर्ट लेवल है। तो एक दिन उसने कहा कि ऐसी शाम को बैठे हुए थे, तो ऐसे कोई खास बहुत सोचा समझा गहरा कुछ ऐसा था नहीं कि गाना गाना है। उसने कह दिया गाना बनाते हैं तुम्हारे साथ। मैं कहा ठीक है बनाते हैं, मतलब क्योंकि दोस्ती यारी में शाम को बैठे बैठे बात चल रही थी, इसलिए चल रही थी, मतलब कोई आके मुझे फोन करके कहे गाना गाइए आके तो मैं उसको मना ही कर दूंगा। तो नहीं, मैं उतना सीखा सिखाया थोड़ी है, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो क्योंकि वो कंफर्ट लेवल था, तो उसने कहा गाना बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। और वो इनफैक्ट आज की तारीख में गजल गायकी में उनका काफी बड़ा नाम है, गजल उर्दू पोएट्री में उनका बहुत गहरा दखल है, और वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। तो उन्होंने आशा भोसले कहें या जगजीत सिंह कहें या पंकज उदास, विशाल भरद्वाज, अनूप जलोटा, सभी के साथ उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किया हुआ है बहुत सारा। तो मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। अब वो क्योंकि दोस्त है, मुझे उसको पता है कि ये कितना गा सकता है कितना नहीं गा सकता, और मेरा भी था कि हाँ ठीक है बना देते हैं तुम बोलो तो क्या। तब ऐसा सोचा नहीं था कि सच में बन जाएगा। फिर वो ढूंढने लगा कुछ कि अच्छा तुम्हारे लिए कुछ ढूंढते हैं क्या। मैंने उससे कहा कि भाई तुम अपने किस्म को मत ढूंढ के लाना कहीं कुछ गालिब का और ऐसा वैसा, मतलब हमसे तो होगा नहीं वो। लेकिन उसको लगा नहीं नहीं जॉन ईलिया का कुछ मैं आसान से ढूंढ के लाता हूँ उस पे गाएंगे। फिर मुझे लगा कि बेचारे जॉन ईलिया ने क्या बिगाड़ा है मेरा कि मैं उसके लेके मिट्टी पतीत करने बैठी। तो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं रहने दो, जॉन ईलिया को बख्श देते हैं, कुछ और ढूंढते हैं। हाँ। तो फिर ये फिर कुछ ख्याल आया दिमाग में और एक दिन लिख लिया। और लिख के फिर तब ये पता नहीं था कि गाने के लिए लिख रहा हूं, तब तो ऐसे ही लिख रहा था मैं। और लिख के कुछ राइम करने लगा एक के बाद एक, तो लगा कि ये तो राइम कर रहा है तो क्या गाया जा सकता है। तो मैंने उसको पूछा सुदीप को, भाई ये गाने लायक लगता है तो बताओ इसी को गा लेते हैं क्योंकि हमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है ये जो भी लिखा हुआ है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, अभी किसी का तो कोई लेना देना है नहीं उसमें। हाँ। तो मुझे पसंद आ जाए काफी है। तो हाँ नहीं मतलब मैं अपनी बहुत सारी चीजें रिजेक्ट भी कर देता हूँ, तो इसका भी तो हक है ना कि कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर पसंद आने का हक भी होना चाहिए। तो अब इतने गंभीर होने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं
समझने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही दुख है। बहरहाल उसको मैंने भेजा, उसने कहा इसको बन सकता है, तो फिर हमने बैठ के फिर बनाया, मतलब गाया मैंने, उसने फिर बाकी म्यूजिक और सारी चीजों से उसको उसने संभाला है गाने को, मैंने गाया। अच्छा, हेलो ललिता, वो तो मेरे को हाँ, ओके। अच्छा तो फिर बॉस ललिता जी यहाँ कौन है? आप उन्हें बॉस कह रही हैं, मुझे कह रही हैं, आपको कह रही हैं? अच्छा ठीक है, आपको तो हर्ष जी बुलाते हैं ना सब, आपकी तो बहुत इज्जत है, मेरे को तो कोई जी भी लगाता नहीं। हाँ, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। क्यों, मतलब आपको इज्जत नहीं पसंद, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्या है कि आदत पढ़ने में वक्त लगता है, सब नया नया होता है। एक वक्त उगता है जहाँ सब आपको बुलाते हैं, ओए इधर आ, ओए सुन, ओए हेलो, अरे किधर है यार, फिर आता है हर्ष हर्ष हर्ष, चारों तरफ हर्ष हर्ष। अचानक एक दिन होता है हर्ष जी, ओ तो आपको देखना पड़ता है कि मुझे बुला रहे क्या, वो ऐसा लगता है कि अरे दिन खत्म हो रहा है जी प्यार। That is the respect for an actor, कि अब आप senior actor बन चुके हैं। It has nothing to do with sir, फिर वो आपको सर की कुर्सी बिठा देते हैं, फिर आप उधर बैठे रहते हैं। देखो मैं बॉस और आप हर्ष, अब देख लो, अब देख लो, अब मेरे को ये ललिता जी, thank you very much। तो हर्ष ये बताओ कि मतलब आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? Who's your biggest critic? Is it supposed to be yourself or is it supposed to be somebody else? ना, मैं खुद हूँ सबसे पहले, लेकिन obviously I'm a little softer on myself, why should I be rude to myself? उसके बाद है मेरी बीवी, और उसके बाद है मेरे दो तीन दोस्त हैं जिनके पास मैं कुछ भी लेकर जाता हूँ और तो उनको नहीं पसंद आता है तो पहले ही दो मिनट में मुझे चुप करा देते हैं, और अगर वो चुपचाप पूरा सुन लेते हैं तो समझ में आता है कि हाँ कुछ ठीक चल रहा है। शब्बीर हुसैन साकिब बांग्लादेश से, नमस्कार, हाय। That's nice. तो इस बार जब आपने ये गाया, ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया, ठीक है कि चलो भाई मैं मतलब, because you know friends, नहीं ये पहले जो है मैंने अपनी बीवी को सुना, सुनीता को सुनाया, सुनीता ने कहा कि नहीं नहीं ये अच्छा लिखा है तुमने, ठीक ठाक है, हाँ हाँ इसको सुदीप को भेज सकते हो, तो सुदीप को भेजा गया। उसने कह दिया होता क्या बकवास कर रहे हो यार हटाओ, तो मैंने उसको नहीं भेजा होता। ओके, सो मतलब आपने, देखो आप मेरी ना क्वेश्चन भी पूरा नहीं सुन रहे हो। पहला सवाल ये है मेरा कि आपने खुद को अप्रूव किया, बिकॉज़ यू आर योर बिगेस्ट क्रिटिक, राइट? आपने अप्रूव किया तभी बीवी को दिखाया ना, या अपना रिजेक्ट मार के? हां नहीं, वो नहीं तो मैंने पहले ही फेंक दिया था। हां करेक्ट। सो बीवी अगर बोल देती कि अच्छा नहीं है और आपको लगता अच्छा है, तो आप क्या करते? तो मैं सोचता उस पे, लेकिन तुरंत मैंने वो रिजेक्ट नहीं कर देता उसकी कही बात को, एक दो दिन ले लेता, देखता कि ऐसा क्यों उसको लग रहा है, फिर भी अगर मुझे लगता कि नहीं नहीं ठीक ठाक ही लग रहा है तो कर लेते, फिर अपने मन की करते ना। हाँ मतलब उसकी जबरदस्ती नहीं है कि अपने मन की करनी है, मतलब मैं बता रहा हूँ 48 घंटे देता ना मैं बात को कि भाई वो बोल नहीं है तो कुछ होगा, सोच लेते हैं उस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो ये बताओ कि उसके बाद आपकी जर्नी शुरू हुई, आपने लिख लिया, आपने गा लिया, एंड नाउ देन यू लॉन्च द लिखा कहाँ, ये उल्टा हो गया, वो पहिया पहले ले लिया, उसके बाद पूरी गाड़ी उस पर बनानी पड़ी। मतलब तो यूं ये गाना पहले लिख लिया, फिर वाके अब गाना गाएंगे, तो भाई गाना गा लिया, गाना गाने के बाद पता चला कि अभी खाली गाने का क्या करेंगे, तो वीडियो बनाना पड़ेगा, तो ये तो सोचा नहीं था, तो वीडियो बनाने निकले, तो पहला वीडियो बनाया तो लगा कि ये तो कुछ बकवास सा कुछ है, वही वो वीडियो बना के बीवी को दिखाया, उन दोस्तों को दिखाया, उन्होंने कहा क्या ये रायता फैलाया तुमने, इससे अच्छा तो करते ही नहीं कुछ। तो वो वीडियो जो है रिजेक्ट हो गया, वीडियो रिजेक्ट हो गया, तो फिर दोबारा हुआ कि अब क्या करें, तो फिर बनाना पड़ेगा, तो फिर दोबारा बनाने निकले, यूं करते करते वीडियो दो तीन बार बना, तब जाके लगा कि भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता फिलहाल, मतलब अब प्रोड्यूसर भी मैं ही हूं उसका, तो जाहिर है कि भाई अब इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो यूं जो है बनते बनते वीडियो बना, और वीडियो पता चला कि तो बहुत महंगा खिलौना हाथ में ले लिया जब तक गाना बनाता। वो तो डेफिनेटली है, तो गाना आपको इजी लगा लेकिन वीडियो बनाना ज्यादा मुश्किल लगा, इज दैट राइट? मुश्किल से ज्यादा ये कि मैंने, I just couldn't get anything decent in terms of a video, it was all turning out to be too expensive and all that, so anyway, but जो भी है बढ़िया रहा, मजा है। हाँ बिल्कुल बढ़िया रहा। सो एक मैं अभी दिखाना चाहती हूँ सबको, I've got some bits and pieces of your beautiful song, लेकिन आप मेरे से तो पूछ लो मुझे कैसा लगा जब मैंने पहली बार सुना, वो रिस्क में कैसे ले लूं, तो तुरंत गप मुंह में कुछ बोलने की तब
Your great work Antaro is appearing in my eyes. Antaral Bengali film hai. Yes, Sahib Hussain meri film se bahut khush hai isliye. Oh lovely. Acha. Ha to matlab dikhate hain. Pehle poocho to sahi ki mujhe kaisa laga? Are had hai yaar. Kaisa laga aapko? Aapko gana kaisa laga bataye. So the first time I heard it, okay? Mujhe lag raha tha ki yaar ye awaaz suni hui hai. Matlab of course I knew it was yours. ये आवाज हमेशा बोलने में मुझे ज्यादा बढ़िया लगती है, you know, that's what I thought initially. The reason was कि मैंने कभी आपको गाते हुए मतलब सिर्फ मेरे शो पे सुना था और of course that song which was done, right? So फिर मैंने कहा गाना थोड़ी होता वो तो ऐसी टाइम पास जबरदस्ती. अरे मुझे वो पसंद इतना है ना कि वो कोई भी गाते मुझे पसंद आएगा, सो इट्स नथिंग. एनीवे बट देन मूविंग फ्रॉम देयर मैंने थोड़ा सा ब्रेक दे के 48 आवर्स का जैसे आप देते हैं सोचने के लिए मैंने फिर सुना उसके बाद. दिस टाइम इट वाज अ वेरी डिफरेंट फील, ओके, बिकॉज़ मे बी बिकॉज़ आई एक्सपेक्टेड कि यू नो इट्स योर वॉइस. एंड देन आफ्टर दैट जब भी मैंने सुना है इट्स सॉर्ट ऑफ ग्रोज ऑन यू, मुझे ऐसा लगता है. अच्छी अब तो आप मुझे रुला के छोड़ेंगे जी 2 मिनट में. मतलब अब इतना मन कर रहा है तो बस कर पगली मैं रो पड़ूंगा. नहीं नहीं मैं बिल्कुल बस करने वाली हूं बिकॉज़ आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू जस्ट शो एक छोटा सा लुक ऑफ दैट. नहीं नहीं शुक्रिया, थैंक यू, आपको पसंद है. मतलब पहले आपको लगा एक आवाज पूछो आप पहचान ही नहीं गए गाने में क्योंकि आपको बात करने की आदत है. मैंने ये कब बोला? मैंने कहा वो आवाज आपने बात करने में आवाज सुनी है, गाने में नहीं सुना इसलिए लगा कि ये आवाज पूछ रहा है. हाँ बिकॉज हमेशा ये लगता था कि आवाज बहुत अच्छी है लेकिन जब ये बात करते हैं तो ज्यादा अच्छी लगती है. You know how it is. हमेशा जिसको आपने गाते सुना है वो आपके सामने आके बात करने लगे तब वो भी नहीं चलेगा आपको. तो मेरी क्लास लगा रहे हैं मतलब मैं करूँ ना करूँ आगे का काम. नहीं चलिए आगे चलिए. तो अच्छा दूसरी बात मुझे पूछना है, इसकी जो शो की ये जो आपका गाने की शुरुआत है इट इज कहाँ है? खजुराहो में है या ये कहीं और है? जी हाँ, इसका शूटिंग जो है आधा शूटिंग जो जितने भी मंदिर वाला किस्सा है वो आसमान बादल वो सब खजुराहो की शूटिंग है. ओके. और बाकी बंबई में शूट किया हुआ. सो व्हाई खजुराहो? प्यार मांगने के लिए? इसलिए कि वो बताते हैं खजुराहो बहुत आसान सी चॉइस थी. जब वो वीडियो मेरा रिजेक्ट हो गया दोस्तों ने और बीबी ने मिलकर उसको डस्टबिन में डलवा दिया. हाँ. वो हुआ कि अब क्या करें, तो हुआ कि अच्छा तो कुछ ख्याल जो टिपिकल आते हैं चलो एक वाराणसी जाके शूट करेंगे, इधर शूट करेंगे, उधर शूट करेंगे, फिर वाराणसी जाएंगे, फिर एक कैमरामैन जाएगा, उसके साथ दो लोग जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, ये तो गाना बनते बनते तो मतलब मैं ही गंगा में समा जाऊंगा, ये तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है. उन्हीं दिनों खजुराहो ओरछा में छुट्टी पे जा रहा था हफ्ते भर के लिए. नहीं वाली बात है, यही बात है लोगों ये कैसे काम किया जाता है ये बता रहा हूँ, जो लोग जो पीछे की दुनिया हमारे पीछे की दुनिया नहीं जानते हैं ऐसे किस किस तरह के हम लोग तुक्के लगाते हैं ये आपको पता होना चाहिए. तो वो तो वाराणसी चार लोगों को लेके जाना भी नहीं बन रहा था, साला इनकी सबकी फ्लाइट होगी ये सब रहेंगे सब वो तो ठीक है होगा लेकिन मैं करते करते तो गाना तो भूल ही जाऊंगा मैं, तो बैठ ही नहीं रहा हिसाब में. सलमा सिद्दीकी जी हंसी आ रही है लेकिन ठीक है कहानी शुरू हुई है. तो हुआ कि खजुराहो छुट्टी पे जा रहे हैं, हुआ कि अच्छा चलो ठीक है छुट्टी से लौट के फिर सोचेंगे क्या करना है अभी छोड़ दो. खजुराहो छुट्टी पे क्यों गए? वहां छुट्टी पे क्यों गए? खजुराहो पे छुट्टी नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे बताइए. आप बहुत क्या हिस्ट्री वाले हिस्ट्री लवर हो या आप हिस्ट्री से क्या लेना? हमने बीवी को शादी के वक्त कहा था खजुराहो ले जाएंगे, 22 साल भर ले गए उसको, बेचारी तब से इंतजार में थी वो नाराज हो गई थी. ठीक है ये वाला टॉपिक साइड पर रखेंगे थोड़ी देर. हाँ नहीं नहीं मतलब खजुराहो जाना पेंडिंग था 20-22 साल से तो इस बार चले गए. हाँ तो खजुराहो जाते हैं तो फिर ओरछा नजदीक है वो भी खूबसूरत जगह है तो वहां गए. तो आगे छुट्टी से लौट के फिर सोचेंगे अभी हटाओ को समझ नहीं आ रहा. फिर हुआ कि एक मिनट खजुराहो चले, 4 दिन खजुराहो जा रहे हैं तो एक दिन और बढ़ा लेते हैं, 2 दिन 1 दिन करके उधर शूट कर लेंगे. नहीं नहीं मेरे सवाल चलते रहेंगे बीच में. आप ये बताओ कि ये जो पहले तो प्लान खजुराहो सिर्फ वाइफ के साथ था, हनीमून के टाइम में डिसाइड किया था और वो अब हो गया, लेकिन अब आप वाइफ के अलावा आप चार और लोग ले गए वहां पर घूमने. वही तो कहानी बता रहे हैं आपको, सुननी तो हुआ कि सबको ले जाने का तो सवाल ही नहीं था, इतना तो हो ही नहीं पाएगा. हाँ फिर दिमाग की घंटी जली, अच्छा बत्ती जली दिमाग में कि भाई आजकल तो वो DSLR पे शूट होता है. हाँ
खास आपको बहुत बड़ा कैमरा नहीं चाहिए और बहुत सारी लाइटें वो सब ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो DSLR इनफैक्ट आईफोन 14 पे भी शूट होता है, याद आ जाना आईफोन 14 पे भी शूट हुआ है। हाँ, तो बट DSLR कैमरा तो आजकल सबके पास होता है। हाँ, और खास करके जो शादी बर्थडे वगैरह जो रिकॉर्ड करते हैं लोगों के घरों में उनके पास तो होता ही है। अब वो DSLR मेरे पास हो या उसके पास, तो चीज तो एक ही है, उसमें जो शूट अच्छा होता है तो अच्छा ही होता है। तो खजुराहो में भी तो शादी ब्याह के शूट करने वाले लोग होंगे ही होंगे, तो वहीं से किसी लोकल को पकड़ लेंगे तो वो तो सस्ते मिल जाएगा। तो देखा आप बिल्कुल रैंडम नहीं है, वो अच्छे खासे साहब है, छत्तीसगढ़ में रहते हैं आसपास। हाँ, रैंडम मतलब उनसे कोई मुलाकात नहीं थी, तो मैंने उसको ऑनलाइन ढूंढा, किसी को ऑनलाइन ढूंढा, तो मुझे खजुराहो में ताम्रकर जी मिले। तो उनसे उन ताम्रकर जी एक हैं खजुराहो में, वो इसके सीए शूटिंग वगैरह का काम काफी करते हैं। तो उनका मुझे ऑनलाइन से नंबर मिला, ऑनलाइन नंबर लेकर के मैंने उनको इट्स जस्ट वन सॉन्ग और एन एल्बम, इट्स जस्ट वन सॉन्ग। अरे अभी रुको सपना जी, I'm going to show it to you. Don't go anywhere. I'm going to show you the song. तो मैंने ऑनलाइन उनको फोन किया, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे आकर के वहां गाना शूट करना है और ये जरूरतें हैं मेरी हैं, ये चीजें मुझे चाहिए होंगी, और एक ऐसा आदमी दिलाइए जो मैंने नेक हो, सुने बातों को और सही काम कर लेता हो, जो अपना काम जो कर रहा है वो सही कर लेता होगा तो मेरे लिए बहुत है। तो उन्होंने फिर मुझे रानू जी दिलवाए, रानू जी वहां गए तो वो अपना कैमरा लेके आए और एक दिन हम खजुराहो गए और मैं उनको बताता रहा कैसे मैं शॉट लेना चाह रहा हूँ, वो शूट करते रहे, कुछ कुछ चीजें उन्होंने अपना आप भी शूट की, यूं हम दोनों ने मिलके दिन भर शूट कर लिया और उसको आकर के फिर मैंने एडिट कर लिया। और अब बॉम्बे वाला शूट भी मैंने किया आकर के, और उस मेरे एक और दोस्त है जिसने मुझे शूट किया जो दरिया के आसपास का जो सारा है, और वो जो दो एक्टर्स हैं उनको मैंने शूट किया, और यूं हम सबने मिल मिला के शूट किया। और मैंने घर पे आके उसको यहीं पीछे कंप्यूटर है यहीं हमने एडिट किया और गाना बोल दिया। ये वाला कंप्यूटर तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो चार यही कंप्यूटर है, इसी पे एडिट हुआ है, जिस पे इसको अपडेट इसको अपग्रेड कराया गया भाई, माने ये तो हमेशा होम कंप्यूटर है, इसको अपग्रेड करा, यही तो बता रहे हैं कि पहले कंप्यूटर अपग्रेड हुआ, फिर खजुराहो जाकर के शूट किया, तो वो जो बंदा ठीक है सस्ते में हुआ लेकिन फिर भी उसका खर्चा था, फिर दो एक्टर के खर्चे हुए, फिर जो गाना पूरा बना उसका एक अलग, उसमें बजाने वाले लोग जो है बेहतर से बेहतर लोग सुदीप लेकर के आए थे। यूं करते 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 जो है वो काफी मतलब ज्यादा हो गया, पर ठीक है। नहीं तो आपने कहानी जितनी भी बढ़ा चढ़ा के बताई है, but I tell you it's a beautiful कहानी, बढ़ा चढ़ा कहाँ बताई, exactly जैसे हुआ ऐसे हुआ कि भाई किसी ने मजाक मस्ती में शाम को हो गया गाना बनाते हैं, उसके बाद तो ये ठीक है पहिया खरीद लिया, तो पहिया खरीदने के बाद जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी बनाई। तो सुना है कि आपका जो ये गाना गाने का शौक है, it was supposed to be bucket list का एक part। मतलब कुछ ऐसी गाना गाने के शौक में गाते तो रहते हैं कि ये ऐसा कुछ एक गाना प्रोफेशनली गाया जाए, उसको शूट किया जाए, उसका म्यूजिक वीडियो बनाया जाए, एक शौक है बस, वो पूरा हो गया बस और क्या। और बाकी जनता से कहते हैं, मैं गाना ये सोच के नहीं था कि अब मैं ये गाऊंगा उसके बाद एक और गाना कोई मिलेगा फिर मुझे कोई बुलाएगा फिर मैं बहुत बड़ा सिंगर। आप अपने YouTube में तो लिख रहे हो कि दोबारा से गाओगे, ऐसे क्यों मेरे को क्यों कुछ और कहानी दे रहे हो YouTube में, तो दोबारा मतलब ऐसा कभी कुछ मिल गया तो गा लेंगे, ऐसा नहीं है कि अब मैं मरा जा रहा हूँ कि कल ही मुझे दूसरा गाना गाना है। नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं, आराम से, अभी तो कहीं और की छुट्टी का प्लान बनना है, अभी तो बहुत कुछ होना है। नहीं नहीं, अब एक बार देखिए क्या है, ये कुछ शुरू शुरू में ना ऐसे ही काम होता नहीं तो होता नहीं, आप सोचते रह जाते हैं, लेकिन एक बार जब हो जाता है ना फिर आपको समझ में आ जाता है क्या है कैसा है कैसे करना है। ओके, तो अगली बार मुझे पूरी उम्मीद है अपने आप से कि इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब इतनी खजुराहो की बात हुई है सो आई थिंक एक छोटा सा ग्लिम्स तो बनता है। हाँ बिल्कुल, मोती पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयान को भाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वाह भाई, वाह भाई, मतलब ऐसे ऐसे
तो बाथरूम में गाता हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो, ओह माय गॉड। हाँ, तो मैं यूं ही थोड़ी कहीं किसी जगह जाता हूँ तो थोड़ी गाता हूँ। जैसे मान लीजिए सुदीप के घर जाते हैं या कहीं दोस्तों के घर जाते हैं तो उधर मैं नहीं पहले गाता हूँ, मैं कोरस ज्वाइन कर लेता हूँ या कोई गा रहा होता है तो उसके साथ गा लेता हूँ। बाकी यूं मैं गाऊंगा मुझे सुनो ऐसा, ये तो ये गाना अलग है, ये तो एक शौकिया कुछ है जो हमने पूरा कर लिया। देखो देखो, अब आप मैंने आप बैठे हो चार लोग और कोई मुझसे कह दे, जैसे मेरी माँ को हमेशा से तब बहुत मुझे गवाने में लगी रहती थी, जहीं कहीं 15 लोग इकट्ठे हो छुट्टी में सब बैठे हो अपना अपना कोई गा रहा है और मैं जानबूझ के पीछे बैठा हूँ ऐसे कि मैं दिखू नहीं किसी को, तो अरे हर्ष गाओ चलो तो जबरदस्ती। तो मैं सबको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि आज दोपहर को मुझे एक मैसेज आया था हर्ष जी से, देखो अब प्लीज मुझे शो पे ये मत कहना कि गाइए ना, एक गाना वाना गाने को मत बोलना। मैंने कहा देखेंगे उस टाइम पे, अब देख लो मैं नहीं कह रही। हाँ मतलब गाना ये इतना बढ़िया बनाया है उसको सुनिए वो तो। अब देखिए अब ना मुझे अमुक तरीके से गाने की आदत पड़ गई है इस गाने के बाद। स्टूडियो चाहिए, चार लोग बजाने वाले चाहिए अच्छे, है ना, सामने म्यूजिक डायरेक्टर हो जो मुझे प्रोत्साहित करता रहे, उसके बिना अब मैं नहीं गाता। अच्छा अच्छा, अब ये बहुत बड़े आदमी हो गए, बड़े सिंगर टाइप हो गए, अभी हम तुच्छ प्राणियों के सामने नहीं गाएंगे, यही कह रहे हो आप? मैं नहीं, तुच्छ क्या उसमें, मैं गाने जितना बड़ा नहीं हूँ, ये तो ठीक है स्टूडियो के पीछे गाने में ठीक है, अभी एकदम लाइव गाने में जो है, हालांकि पिछली बार गा ही दिया था तो ऐसा क्या है। हाँ वो तो नहीं, मैं नहीं, पिछली बार का सुना दीजिए, पिछली बार का अभी भी सुना है, हम सबको सुनना है गाना। देखो देखो सपना जी, मैं बाकी का रमेश वासनानी गाना सुनना है बिल्कुल। अच्छा तो ये लास्ट में अंत में सुनिएगा ना, नहीं तो अभी भाग जाएंगी आप, रुक जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भागेंगे, अभी छोटा सा खजुराहो का ग्लिम्स दिया है ना, सब लोग मूर्तियां देखने में ज्यादा बिजी थे इसीलिए सबने कहा वाह वाह, गाना तो भी सुनाएंगे हम। अच्छा तो ये पूरा का पूरा जो एक्टर्स का सीन था, बड़े कॉमन, जैसे कहते हैं ना कि वेरी ऑर्डिनरी पीपल यू हैव टेकन इन द सेंस दैट यू आर ट्राइंग टू रिलेट टू डे टू डे एंड कॉमन मैन, राइट? बिकॉज़ एंड भी वैसे ही होता है आपका गाना, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उसमें दो तीन बातें हैं, एक तो ये था कि मुझे अगर गाना करना भी था तो मुझे तेरा दिल मेरी आंखें ऐसा कुछ नहीं गाना था, तो मतलब ऐसे गाने से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम वो पहला गाना मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। कुछ बात हो उसमें, कुछ गहरी कोई बात हो, कुछ मतलब की बात हो, तो इस वजह से इसको लिखा गया कि भाई ऐसा कुछ है तो मैं गाने को तैयार हूँ। और एक्टर्स भी मुझे अमूमन वीडियो रहते हैं आजकल, एक स्टड होता है और एक शॉर्ट स्कर्ट में कोई सेक्सी अच्छी सुंदर सी लड़की होती है जो अच्छा दिखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मेरे वीडियो के लिए भी सही रहता, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे एकदम ही आम सर रोजमर्रा के लोग चाहिए थे उस गाने में और उस बात में, कि क्योंकि हर इंसान तो स्टड नहीं है ना, और हर लड़की या हर औरत तो मतलब कम सिन शॉर्ट स्कर्ट वाली है नहीं, तो आम जो लोग होते हैं उसी माहौल में मुझे पूरा अपना वीडियो रखना था, क्योंकि बात एक किस्म की, जिस किस्म की बात है उस किस्म में ना बहुत ज्यादा किसी भी किस्म का सेक्सुअल सजेशन को मतलब नहीं रखता, तो इसीलिए मुझे बहुत ही जमीनी मामला रखना था, तो एक्टर भी उसी तरह लिए। एक्टर इनफैक्ट बासु जो लड़का है वो तो मेरी फिल्म में भी था और ये बासु की बीवी है उसके साथ, कोई अलग एक्टर ही नहीं। तो बासु को हमने फोन किया कि भाई वीडियो बनाएंगे, तो क्योंकि मुझे वो ठीक लग रहा था अपने वीडियो के लिए, तो पता चला कि उससे मेरी बात हुई 4 साल बाद, तो पता चला शादी हो गई है, तो मैंने कहा ठीक है फिर तो बीवी को ही ले आओ, तो किसी और को कहां ढूंढने जाएंगे, वो भी एक्ट्रेस है। बाय वन गेट वन फ्री हो गया आपका तो पूरा का पूरा। नहीं बाय वन गेट वन फ्री नहीं है, I mean, ना इससे पहले कि आप ज्यादा बोले मैं बता दूं, प्रोफेशनल काम है, उनको उनकी बाकायदा फीस दी गई है, आपने बाय वन फ्री कैसे कर दिया बात? नहीं नहीं, बाय वन गेट वन फ्री का मतलब है ये पहला तो खरीदा ही था, दूसरा साथ में आपको मिल गया, मैंने ये नहीं बोला फ्री में मिला है ना, मिला नहीं, दूसरे को भी पे किया हमने, ऐसे कैसे मिल गया? अच्छा यार मैं मान गई आपने पे कराया। अच्छा 2 मिनट रुको जरा, इससे पहले कि आप मेरी और क्लास लगाओ, मैं दिखाना चाहती हूँ सबको कि ये एक्टर्स जो है बहुत ही एक सिंपल तरीके से दे हैव एक्चुअली पोर्ट्रेट द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द सॉन्ग एंड आई रियली डू अप्रिशिएट दैट एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो। तो 1 मिनट के लिए आगे जीने की इस जंग में जब जब मायूसी छा जाए तब तब
इस जंग में जब जब मायूसी छा जाए तब तब तूफानी लहरों से राहत, तूफानी लहरों से राहत, प्यार भरा एक साहिल है, अपनी अपनी राह चलते सबकी मंजिल एक है, और कुछ हासिल हो ना हो प्यार मिले सब हासिल है। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। और मेरी क्लास तो वो है बासु सोनी और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सोनी। बासु मेरी फिल्म में भी थे। अच्छा, तो आपने ऐसे डिसाइड किया कि मतलब बिकॉज़ इट्स अ कॉमन मैनस थिंग इट नीड्स टू बी पोर्ट्रेड। या आई मीन आई डिडंट वांट एनीथिंग टू फैंसी। या एंड द वीडियो आल्सो वाज वेरी, माने ये वीडियो जो है वो ऐसा कोई बहुत झामे वाला तो है नहीं, ठीक है वो खजुराहो है और उस दिन हमको खुला आसमान बादल मिल गए तो वो अच्छा दिख रहा है। बाकी बम्बई का जो आप शूट देखें वो भी मतलब रोजमर्रा का मामूले से शूट है, ऐसा नहीं कि सड़कें रोक करके एकदम शॉट बना के लिया गया है, उस तरह का वीडियो मैं चाहता नहीं था। हाँ, नहीं बहुत ही बढ़िया निकल के आया वीडियो भी, एंड आई थिंक इट्स द थॉट बिहाइंड इट। सो अभी इफ आई वर टू जस्ट समराइज, तो ऐसा लगता है कि यू हैव एक्चुअली सेड कि दुनिया में आपको कुछ भी चीजें मिल सकती हैं, बट व्हाट इज टोटली इंपॉर्टेंट इज दैट लव, राइट? व्हाट यू लीव बिहाइंड, लाइक इन द सेंस कि देखिए आप बहुत बड़े टायरेंट भी हैं तो भी आप घर जाते हैं ना अपने गर्लफ्रेंड के पास, बीवी के पास, या आपके बच्चे हैं, तो आप कुछ भी हो आपको कुल मिला के तो अमुक चीजें जीवन में चाहिए होती हैं, माने बाय डिफॉल्ट ही है वो। मतलब आप हिटलर को कितनी गाली दे दें लेकिन हिटलर की गर्लफ्रेंड थी, हिटलर भी प्यार में पड़ते, तो वो सबको जरूरत होती है, आप अपने आप को कितने तस्मार खां समझे। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि अगर आपको कुछ न भी मिले तो भी ऐसा कोई साथ बैठ के कंधा देने वाला मिल जाए, तो ये इसकी तो जरूरत पड़ती है, चाहे आप इधर हो या उधर हो या कहीं भी हो। तो वही एक सुर था गाने का। और आसपास आजकल क्योंकि ट्विटर और फेसबुक जमाना है, इंस्टा, और दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है तुरंत आपके पास उसी सेकंड पहुंच जाता है, तो ऐसा लगता है कि दिन रात सिर्फ दंगा फसाद मार काट और लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है के चारों तरफ। तो आपको लगता है कि ठीक है इस पर कुछ बात की जाए बस ऐसी, हालांकि आपको पता है कि आपके बात करने से कोई दुनिया नहीं बदल जाने वाली, लेकिन कुछ देर आप बह जाते हैं आपको लगता है कुछ कर लेते हैं। But I think that's Sapna contribution and there's a message that is going out, which is very beautiful. मतलब आप कह सकते हो कि नहीं इसका कुछ बदलने वाला नहीं है। I agree. Hitler की girlfriend का नाम क्या था? नहीं मुझे बिल्कुल याद नहीं है इस वक्त। आप बता दो अजय शुक्ला जी। Eva नाम था उसका। That was Eva. Eva ना Eva. Eva. She used to stay with him. वो उसकी girlfriend थी। क्या कर रहे हो यार अजय जी? हिटलर की बातें नहीं कर रहे हम, यहाँ पर गाने की बात कर रहे हैं। प्लीज ईवा बता तो दी, रेणुका जी ने बता दिया ईवा उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो इसी बात पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को जो लास्ट वाला पार्ट है ना, आई रियली लव्ड इट। जी उसमें ये उसका मैंने कम ये था सुदीप से, मैंने कहा था कि मुझे जो है भजन किस तरह से क्रेशेंडो में खत्म होता है, हाँ ऐसा कोई फील अगर मिले तो वो चाहिए। So that is how he has helped me create that. कि जब गाना खत्म हो तो कुछ बने यूं ही ऐसा खत्म ना हो जाए, कुछ उसकी एक एक जो है उसका बिल्ड अप हो, उसका क्रेशेंडो हो और फिर वहां जाकर के गाना खत्म हो। तो एक पूरा मैंने गाना लिखा था, तो एक कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग मोटा मोटी कि कैसे शुरू होगा और कैसे गाना होगा और फिर अंत में कहां जाके खत्म होगा। And I had Sudeep with me, so it has worked out well. Yeah, I think it's beautiful. And Sudeep has done a wonderful job and so has Basu and his wife. And of course, बाकी भी जो भी आपके साथ में जुड़े रहे। बाकी वो बजाने वाले उसमें साथ काफी लोग जुड़े थे, तो उसमें मुझे ये दिक्कत है कि एक भी नाम लूंगा और एक भूल जाऊंगा तो मैं बहुत पिटूंगा। लेकिन उन लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है और मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि मैं कोई नाम भूल ना जाऊं। अच्छा इनको वो ढूंढने देते हैं, एंड आई विल गिव यू टाइम टू थैंक एवरीवन। मैं तब तक वो हाई नोट वाला पार्ट सबको दिखाना चाहती हूं बिकॉज़ आई थिंक दैट्स रियली ब्यूटीफुल, द पार्ट व्हिच एंड्स द जी जी जमला ऐसी फीत कर जो बालक की मां मन लहरा के Amazing. I think the end is just amazing. It's beautiful. आपने अपने जी
आपने अपने आप से ये एक्सपेक्ट किया था कि एक दिन नहीं उसी दायरे में गया ना, जितनी अपनी समझ और औकात है उससे बाहर तो गए नहीं तो है ना। आई थिंक व्हाइट में बेटर लग रहे हैं अजय जी, आपको नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है व्हाइट में बेटर लग रहा है। लाल शर्ट बिल्कुल सही है, मैंने लाल चुना ही था कि भाई लाल होना चाहिए, सफेद वफेद नहीं जमेगा। वो कई बार होता है ना, बच्चे खुद को ही सरपास कर जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने किया है, ये मेरा है, ये मेरे इतने नंबर कैसे आ गए, तो ऐसा फीलिंग हुई थी? नहीं नहीं ऐसा नहीं आ रहा फील, क्योंकि उतना ही किया जितना समझ में आता, उससे ज्यादा नहीं किया ना मैंने। फैल मान लीजिए अब वो कोई गाने के शौक में वो कुछ गालिब का लिखा ले आते और अब मैं गजल गाने लग जाता तो कितनी मिट्टी पलित होती। नहीं, वो तो उसके लिए तो सीखा हुआ आदमी चाहिए जो सारी जो हरकतें कर सके और आगे पीछे ऊपर नीचे ले जा सके, तो वो हमसे हो जाता है। लेकिन जितना बिना सीखे हुआ जो गाता है वो मैं गा लेता हूँ। कभी नहीं सीखा गाना? कभी नहीं, मैंने सीखा नहीं। मेरी माँ चाह रही थी बहुत कि मैं सीखूं, लेकिन गाना नहीं सीखा मैंने। मुझे एक्टिंग का ज्यादा शौक था तो मेरा पूरा फोकस पूरा ध्यान उसी तरफ रहा। गाना ये था कि तू गा लेते ना यार, चार लोगों के बीच थोड़ा गा लिया ठीक है बहुत, और कितना गाएंगे। मैंने कभी आपको उस तरह गाने पे कभी ध्यान नहीं है। मैंने कभी आपको डांस भी करते हुए नहीं, डांस में नहीं करता, नहीं करते ऐसा क्यों? नहीं बहुत नहीं, कुछ चीजें नहीं होती आपसे, हर चीज थोड़ी ना इंसान कर लेता है अभी, और कुछ चीज दूसरों के लिए भी तो छोड़ू मैं, सब मैं कर लूंगा तो कोई और क्या करेगा। डांस भी मैं कर लू, गाना भी मैं गा लू, बना फिल्में भी मैं बनाऊ, एक्टिंग भी मैं करू, गाने लिखू भी मैं, गाऊ भी मैं, तो कोई बोलेगा भैया क्या लगा हुआ है तुम्हारा? नहीं मतलब टैलेंट की बात हो रही है, ये थोड़ा कि मैं सब कुछ कर लू, मैं ही खेल लूंगा तो और कौन खेलेगा, ऐसी बात नहीं है मतलब। हाँ तो ठीक है, बट टैलेंट का क्या है कि there are a lot of things you just do, I mean you know everything need not be, I don't know what monetized or whatever kind of thing. I hope he's saying that to me. अजय जी मुझे बोल रहे हो ना मेरी आवाज अच्छी है, I hope कोई तो compliment मुझे भी दे रहे हो, ये हर चीज इन्हीं के मतलब हिस्से आ रहा है। अच्छा yeah. And like I am essentially I have two left feet, let's say so. शादी ब्याह तो उधर नाच लेते हैं जितना नचवा लो। That is true. वो मैंने देखा प्लीज I don't want to even get into that. वो मैंने देखी सीजन 1 में डांस देखा ही आपने मेरा। जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल अनदेखी में अनदेखा किया उस नाच को, but that's awesome, that's the kind of dance I do and that's the kind of dance I like. दिल्ली की शादियों में जो डांस होता है वो डांस हमको आता है बस। अच्छा चलो ये तो बात ही गाने की है ना, इसे शिव मोहन बैंड चाहिए। We got enough appreciation on this one. तो पूरा गाना तो definitely हम बताएंगे सबको कि कहाँ कैसे किया, लेकिन ये बताओ आजकल काम क्या चल रहा है ये बताओ। काम ये भाई ये अनदेखी सीजन 3 की तैयारी शुरू हो गई है, इसीलिए दाढ़ी वाड़ी है अभी, वरना तो मैं क्लीन शेव करके आया होता। हाँ अनदेखी सीजन 3 शुरू होगा मेरे ख्याल जून जुलाई के आसपास, मतलब ऐसा ऐसी बातें अभी चल रही हैं, अभी कोई फिक्स शेड्यूल कुछ अभी हाथ में आया नहीं है, लेकिन हमने अपनी तैयारी जो है करने की कोशिश कर दी है कि भाई चलिए, क्योंकि मुझे तो टाइम चाहिए होगा, मूंछे हो गए और दाढ़ी हो गए और बाल और बड़े हुए। नकली भी तो लग जाती है, ऐसी क्या बात है मतलब कि हाँ, नहीं नहीं नकली दाढ़ी मैं नहीं लगाता, मुझसे फिर काम नहीं हो पाता, वो कम से चिपका रहता है सब, इसीलिए किसी को दाढ़ी वाड़ी चाहिए तो मैं कहता हूँ मुझे 1-2 महीने का टाइम दीजिए, हम अपनी उगा के आते हैं तो इस चक्कर में बहुत सारे काम चले भी जाते हैं। I am looking forward to that. मुझे ऐसा लग रहा है कि season 2 में थोड़ा सा मेरे को लगा कि आपको अच्छे से यूज नहीं किया गया, because you're such an amazing actor. And there is so much versatility. भाई देखिए यंग लोगों का जमाना है तो सब चीज यंग क्राउड पे रहता है, हम तो सपोर्टिंग पीछे वाले लोग हैं, ये तो हमने कुछ बाय चांस ऐसा बन गया कि जो है नजर में चढ़ गए, बाकी हम सपोर्टिंग कास्ट में पीछे। कुछ भी ऐसे नहीं होता, यंग का मतलब होता है कि अभी वो सीखे नहीं है, और जो थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं उनके बिना मतलब नहीं चलता। भाई ये आपकी मेहरबानी, आप इतनी जनरस हैं, बाकी बाजार तो हम जो बाजार हमको कहता है बाजार में तो ये समझ आता है कि इट्स यंग क्राउड यंग पीपल, तो हम ही सपोर्ट करेंगे ना एक दूसरे को, मेरी भी तो उम्र बढ़ी रही है। हाँ, ये बात अच्छा ये बात सही है, ये बोलने के सारा शो कैंसिल हो रहा है इस टाइम पर। हाँ ये तो बात सही है, आप ही ने मौका दिया। All right.
भाई ये तो चलता रहेगा आपके और मेरे बीच में. बट गाइस दिस इज जस्ट अमेजिंग. इफ यू नो देयर इज जस्ट वन थिंग आई डू वांट टू से हर्ष टू यू इज दैट यू बीन जस्ट वेरी वेरी यू हैव काइंड ऑफ सरप्राइज्ड अस एवरी टाइम यू बीन ऑन स्क्रीन विद डिफरेंट रोल्स एंड व्हाटएवर यू टेकन अप. मतलब बहुत ही इंग्लिश में बोल रही हूं तो आप स्माइल मत दो, मैं हिंदी में बता रही हूं. अंग्रेजी समझ रहा हूं आप, बिल्कुल बोलिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आप पे नहीं हंस रहा हूँ, मुझे खुशी मेरे मुंह पे झलक रही है. मुझे लगा मेरी क्लास लगने वाली है कि अच्छा ठीक है अब इंग्लिश में क्यों बोलना शुरू कर दिया है ना. नहीं, है नहीं, ना अंग्रेजी में बोले. हाँ तो मैं ये कह रही थी कि योर काइंड ऑफ वर्सेटिलिटी, योर काइंड ऑफ एक्टिंग स्किल्स, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट देयर इज सो मच मोर टू बी डिस्कवर्ड एंड इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि हम आपको बहुत ज्यादा नहीं देखते फॉर व्हाटएवर रीजंस आई डोंट नो बट I just know that there is... घर से निकलना पड़ता है ना तभी तो मैं देखूंगा. घर से नहीं निकलो ना, घर में ऐसा क्या पड़ा है जो घर से नहीं निकलना चाहते हो, ऐसी क्या बात है. मैं तो कुछ काम जैसे हाँ बोलने लायक कुछ आएगा तो घर से निकलेंगे. सर ये नखरे मत क्या करो, बाय गॉड ये क्या है, हाँ बोलने लायक आएगा तो अच्छी चीजें भी आएंगी ना, हर चीज में मना कर दिया करो. तो जब आएगा तो करेंगे ना. अनदेखी सीजन 3 शुरू होगा तो शूट होगा ना, तब तक कैसे हो जाएगा. मुझे जैसे ही शूट होगा टेलीकास्ट होगा सबको दिख जाएगा, मैं फिर दिख जाऊंगा. नहीं बट मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे बड़ी घर जैसी फीलिंग हो रही है, ऐसे लड़ रहे हैं हम, तो आएगा तो देखेंगे ना. नहीं तो मेरी एक और सीरीज आने वाली है, मैंने सिख्या के लिए एक फिल्म की है अभी. oh, really? वो अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, वो आएगी. और सिख्या ही के लिए मैंने एक और सिख्या जो आपको मालूम होगा अभी उसको डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर मिला है उसका. पुनीत हो गया. मुझे बताने की मनाही है जब तक की टेलीकास्ट नहीं होता, लेकिन वो एक सीरीज है जो मैंने उनके साथ शूट किया है, एक फिल्म मैंने उनके साथ अभी की है. okay. और आगे अगस्त में कहीं जाकर के मैं गुजराती फिल्म भी करने वाला हूँ. तो कुछ ना कुछ है, मैंने ऐसा नहीं है, काम करते रहते हैं, दिखते रहेंगे. बहुत ज्यादा भी दिखते क्या करना है, लोग ऊब जाए उतना भी क्या दिखे. हाँ ये बात है, ठीक है. नहीं इतना तो कभी होगा नहीं, वैसे इतनी कभी बात अभी उस पॉइंट पर आई नहीं है. बट एनीवे इट्स बीन अमेजिंग हर्ष, इट्स जस्ट बीन अमेजिंग टॉकिंग टू यू अगेन टुडे आफ्टर 2 years एंड इट्स लवली टू नो दैट यू आर एज ग्राउंडेड एज यू वर एट दैट टाइम. तब भी मेरी क्लास लगा रहे थे, आज भी लगा रहे हो. देयर आर सम थिंग्स दैट नेवर चेंज. नहीं नहीं कहा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खास जो है इस गाने को लेकर के एक पूरा इंटरव्यू लिया है मेरा. तो हाँ भाई इतना कौन आजकल करता है. अच्छा तो ये बताओ कि ये फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है फुली अबाउट द सॉन्ग, इज दिस द फर्स्ट एंड द. हाँ हाँ ये पहला ही इंटरव्यू है, है ना, जो सिंगापुर से लिया जा रहा है. हाँ आई नो, देख लो आप, देख नहीं बट बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे गप्पे मार के. एंड एज आई ऑलवेज से आई वाज अ मेजर फैन व्हेन आई सॉ यू द फर्स्ट टाइम एंड आई हैव कंटिन्यूड टू बी a big admirer of your अब मैं पिघल जाऊंगा बिल्कुल. हाँ तो रो पड़ो ना थोड़ा सा तो रोना बनता है, इमोशंस के बिना तो कुछ नहीं बिकता है ना. नहीं थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, फॉर द इंटरव्यू. इतने कुछ लोग जुड़े हैं, गाना कुछ और नए लोग सुनेंगे तो अच्छा ही है मेरे लिए, शुक्रिया. नहीं काम करते रहो और हमको याद करते रहो, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट बिट. एंड ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर. अगला गाना बनने की देर है अब, मैं आपको फिर बताऊंगा. सुनीता जी को जरूर दिखा देना, अगर खुद की ना सुनो तो जरूर सुना देना. हाँ नहीं नहीं वो अगर पूरा बनेगा तो ये सारे अप्रूवल से होकर ही निकला होगा, नहीं तो नहीं बनेगा. Alright, on that note, thanks so much, and I'm going to play that gana because यहाँ पर कहा जा रहा है अब तो गाना सुना दीजिए. गाना सुना दीजिए. और ये रिकॉर्डिंग मैं यहाँ लगा सकता हूँ? कहाँ लगा सकते हो, मतलब फेसबुक पे ये रिकॉर्डिंग आप अलग से डाला जा सकता है? आपके फेसबुक पे चल रहा है इस टाइम पे शो, ये मतलब ये चीजें हम वो तो चल ही रहा है लेकिन लोग कहेंगे रिकॉर्डिंग भी दिखाइए. अच्छा रिकॉर्डिंग में भिजवा ये बातें हम लग तो, से ना ना लेकिन मेरी बात सुनिए. सचिन ताम्रकर जी, ताम्रकर जी बताया था, वो सचिन ताम्रकर जी थे खजुराहो में जिन्होंने मुझे कैमरामैन से मिलवाया, मोहम्मद ताहिर जो जिन्होंने शूट किया, और उसके साथ साथ सुदीप की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, और बाकी जो सबसे बढ़िया लोग जो इंडस्ट्री के हैं वो जुड़े थे. तबले पर अमित चौबे थे, ढोलक में मनोज हीला है, पर्कशंस दीपक बोरकर ने किए हैं, गिटार जो है संजय दास बजाते हैं, बहुत बढ़िया बजाते हैं वो, हारमोनियम विशाल धुमाल ने बजाया है, कीबोर्ड पे ललित सिंह, स्टूडियो एलएम स्टूडियो, एलएम स्टूडियो लता मंगेशकर स्टूडियो है, उस स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया है.
और रिकॉर्डिस्ट हैं भावेश लिया, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जो है आवाज को बना बनू की जो है सही किया। तो ये सारे लोग जुड़े हुए थे, इंटरव्यू लिया है मेरा केमिका जी ने। जी बिल्कुल, आज कोशिश करिए, पर इन सब के लिए This is the best I could do right now. But यहाँ पे भाई सलमा जी कह रही है कि हर्षी दो गाने दो लाइनें तो सुनानी पड़ेंगी before you really go and we can get into the song completely. अरे यही गाना सुना दीजिए उनको तुरंत, दो लाइन उसकी। मतलब हर किसी को ये पक्का होना जरूरी है ना कि वो आप ही ने गाया, बस उसी चीज के लिए वाह। तो हाँ, मुझे साबित करने का ऐसा कोई वो नहीं है, चस्का अपनी आवाज तो सुनाना पड़ेगा यार, ऐसे डिमांड पब्लिक डिमांड मना नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है के जीत है, इसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन है, बस क्या बात है, इस जीवन का यही है, यही है, हाँ मतलब यही है, यही है, यही है रंग रूप वगैरह वगैरह, थोड़ा क्या है और थोड़ी खुशियां। ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, चाहे जैसा भी आपने गाया है फिर भी लोग अच्छे हैं यहाँ पर। ना ना, इतना बुरा भी नहीं गाया, ऐसे क्या है, बाथरूम सिंगर हैं, बिल्कुल बाथरूम गा लेते। But thank you so much for being on the show today, Harsh. And आपके जानते ही हम यहाँ पर of course आपका गाना चलाएंगे, जो कि the rest of it people can watch on your YouTube, and that is Harsh Chhaya, यही नाम है Harsh, उस पे सर्च पे आपको Harsh Chhaya हासिल और म्यूजिक वीडियो सब टाइप करना पड़ेगा। आप Harsh Chhaya हासिल टाइप करेंगे तो वो आपको सिर्फ ऑडियो पे ले जाएगा, क्योंकि मैंने ऑडियो भी डाला हुआ है। वो ऑडियो का कौन सा है, वो अपना ऐप जो रहता बहुत फेमस, एस से क्या नाम है उसका, यूट्यूब म्यूजिक एंड स्पॉटिफाई, हर चीज स्पॉटिफाई में डाला हुआ है मैंने, तो वो स्पॉटिफाई पे ले जाएगा आपको। आप अगर वीडियो भी साथ में लिखेंगे तो फिर आपको मेरे वीडियो पे ले जाएगा। एक्चुअली दोनों आ जाते हैं, हासिल Harsh Chhaya से दोनों आ जाते हैं। आई हैव वॉच्ड, अच्छा आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। जी बिल्कुल आ जाएंगे, और ऑडियो भी सुन सकते हैं और आपको देख भी सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी विश यू द बेस्ट अगले लॉन्च के साथ में, जरूर रीच आउट टू अस एंड वी विल ऑल बी वेटिंग। ठीक है, डन है, थैंक यू सो मच। तो चलिए, फॉर एवरीबॉडी एल्स वी जस्ट गोइंग टू बी प्लेइंग दिस गाना, एंड that's how we say bye bye, but don't go away, go and watch Hustle the music video of Harsh Chhaya. Please gana dekhiye, zarur dekhiyega, because definitely as you see there is such a beautiful backstory to it jo abhi abhi aapke sath share ki gayi hai, so that is of course something matlab rukna nahi chahiye jeevan mein, jaise taise ho nipta lena chahiye jo karna hai, nipta lena chahiye, bas humne bhi nipta diya hai, soch liya to wo ho jana chahiye. Ji bilkul, dhanyawad Harsh ji, aapke sath mein, may the power be with you. And we look forward to watching you more on the screen. चलिए शुक्रिया, गाना सुना नहीं तो भाग जाएंगे लोग। हाँ मैं सुना रही हूँ। वो थी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयान को ढाई आखर प्रेम का पढ़े पंडित हो अपनी अपनी राह चलते सबकी मंजिल एक है अपनी अपनी राह चलते सबकी मंजिल एक है और कुछ हासिल हो ना हो प्यार मिले सब हासिल है प्यार मिले सब हासिल है अपनी अपनी राह चलते सबकी मंजिल एक है और कुछ हासिल हो ना हो प्यार मिले सब हासिल है
भर की दौलत होगी मुट्ठी में सब ताकत, होगी दुनिया भर की दौलत होगी मुट्ठी में सब ताकत। चांद सितारों का क्या करना, प्यार बिना दिल जाहिल है, प्यार बिना दिल जाहिल है। अपनी अपनी राह चलते सबकी मंजिल एक है, और कुछ हासिल हो ना हो प्यार मिले सब हासिल है। सब हासिल है।